बाबा रामदेव इज ज्वाइनिंग मी अ लिटिल लेटर देन प्रॉमिस्ड बट बेटर लेट देन नेवर. बाबा रामदेव, क्वेश्चन वन. दिग्विजय सिंह, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, हैज सेड दैट करप्शन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय अनशंस एंड हंगर स्ट्राइक्स, बाय फास्ट एंड हंगर स्ट्राइक्स. इट नीड्स स्ट्रॉन्ग लॉज. What is your reaction given that you are talking to the government at the same time? मैं आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब और कपिल सिब्बल साहब और पवन बंसल जी और हमारे भाई श्री सुबोध कांत साहेब जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सचिव साहब, यदि ये कोई बात करेंगे, यदि कोई बात कहेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा. बाकी किसी भी व्यक्ति का जो कुछ भी बोले, मैं उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता. जी, क्वेश्चन नंबर टू. यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिग्विजय सिंह. आपने कहा कि प्रधानमंत्री और जो न्यायाधीश है, जुडिशरी शुड बी केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द लोकपाल. आंट यू वीकनिंग अन्ना हजारे'स मूवमेंट व्हेन यू से सो? मैंने कभी नहीं कहा कि आपने कहा प्रधानमंत्री जी या मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए. मैंने पहले भी कहा और उसको मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और देश की न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर आसीन मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल बिल में रखना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर पूरे देश में बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए. यह मैंने बात कही थी. मैंने कभी यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल बाबा रामदेव के दायरे से बाहर रखना चाहिए. और जो है इस बात को गलत तरीके से प्रचारित किया गया, मैं उस बात से सहमत नहीं. नहीं, बट बाबा रामदेव, द रीजन आई एम आस्किंग यू इज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन. कई लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट इज स्पीकिंग टू यू बिकॉज यू आर सॉफ्ट. आप सॉफ्ट हैं. अन्ना हजारे इज मोर हार्ड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड दैट्स व्हाई टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर स्पेशली. That's why all the ministers went to speak to you. इसलिए सारे मंत्री आज एयरपोर्ट गए आपसे बात करने के लिए. वो अन्ना हजारे के साथ कभी ऐसी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया नहीं था. देखिए, मैंने कोई जो है प्लानिंग के तहत कोई प्रायोजित तरीके से कोई बयान नहीं दिया. मुझसे शायद पूछा गया, मैंने सहजता से उसका उत्तर दिया. अब उसका कोई गलत अर्थ निकाले इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं. क्या वर यू सरप्राइज टुडे? इतने मंत्री जब आए, सब सीनियर लीडर्स आए, कॉमर कैबिनेट सेक्रेटरी, सीबीडीटी चेयरमैन सब आ गए. लग रहा था देयर वाज अ कैबिनेट मीटिंग गोइंग ऑन एट द एयरपोर्ट. आपको आश्चर्य नहीं हुआ उस समय? देखिए, ये बातचीत क्योंकि पिछले करीब 20 दिनों से चल रही है, इसलिए ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं. और इसमें किसी को नीचा दिखाने की बात, किसी का विरोध करने की बात या कोई विद्रोह या बगावत की बात है ही नहीं. सीधा सीधा ये पूरा जो आंदोलन है, ये जो सत्याग्रह, मुद्दों पर केंद्रित है. इसलिए मुद्दों के ऊपर संवाद करना ये सरकार की भी लोकतांत्रिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है. और सरकार के सामने भी अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है और देश की जनता में भ्रष्टाचार को लेकर के एक जबरदस्त आक्रोश है जी, मगर और काला धन वापस लाने के लिए पूरा देश अब एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है. और इस नाजुक दौर में यदि सरकार कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करती और निर्णायक कार्रवाई नहीं करती तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा, उसके प्रति भी अविश्वास पैदा हो जाएगा. इसलिए यह सरकार के लिए भी उसकी विश्वसनीयता के लिए भी उसके सामने भी एक बहुत बड़ा तकाजा है और उसकी संवैधानिक और राजनीतिक जिम्मेदारी भी है कि वो राष्ट्रीय और जनहित के इस पूरे मुद्दे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ में देश के लोगों को जवाब दे. एक स्पेसिफिक आंसर दीजिए मुझे बाबा रामदेव जी, कि यू हैव मेड मेनी पॉइंट्स, नाउ यू आर गोइंग ऑन फास्ट. टेल मी व्हाट इज द स्पेसिफिक डिमांड. स्पेसिफिक बात कौन सी है जो आप चाहते हैं फुलफिल हो बिफोर यू विदड्रॉ योर फास्ट? टेल मी द स्पेसिफिक पॉइंट्स, नॉट द जनरल पॉइंट्स. स्पेसिफिक कौन सी बात है? विदेशों में जो जमा काला धन है, सरकार को उस अवैध धन को राष्ट्रीय संपत्ति वैधानिक तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए घोषित करना पड़ेगा.
और विदेशों में अवैध धन जमा कराने के अपराध को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी का अपराध मानना होगा। इसके बाद एक पूरा बाहर से कैसे काला धन वापस आएगा, एक प्रामाणिकता के साथ उसका पूरा का पूरा एक स्वरूप, उसका एक पूरा का पूरा फॉर्मेट, वो प्रारूप देश के लोगों के सामने सरकार को रखना पड़ेगा। जो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो एक स्वायत्त सशक्त मजबूत लोकपाल का मामला हो, और उसमें भी कोई भी आम इंसान जो है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ यदि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर कंप्लेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसमें कोई विशेषाधिकार बाधा ना बने, उनकी संपत्ति जब्त हो जो संवैधानिक पदों पर बैठकर के देश को लूटते हैं, और उनको आजीवन कारावास से मृत्युदंड का जो है उनको सजा मिले। और इसी के साथ हमने जो है लोक सेवा गारंटी एक्ट, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट की बात की है, सरकार उसको कितने समय में लागू करेगी सेंट्रल स्टेट लेवल पर, और इसके साथ साथ हर एक स्टेट और सेंट्रल लेवल पर करप्शन के अगेंस्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, कितने दिनों में सरकार उनको लेकर के आती, ये एक बात है। तीन बात हमने सिस्टम में सुधार की है कि किसानों के साथ लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के नाम पर जो अन्याय हो रहा है वह बंद होना चाहिए, और ये पक्षपात बंद होकर के इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, और कम से कम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, ये तीन स्थानों पर कम से कम अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सिस्टम में सुधार की जो हमने बात की है, वो सारी की सारी बातें जब तक सरकार स्वीकार नहीं करती, हम अपने सत्याग्रह के मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। ओके, बाबा रामदेव, थैंक यू। वन कैन डिसएग्री विद योर मेथड्स, वन कैन डिसएग्री विद द इशू। Baba Ramdev, thank you very much. Let's see how the government responds.